सो हेई देयर पोके फैंस, आज हम लोग रैंक करने वाले हैं पोकेमोन की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ट्रेनर्स को। और यार ये लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, पोकेमोन वालों ने खुद कहा है कि ये 10 ट्रेनर्स अभी तक पोकेमोन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर्स है। और पहले ही बता दूं, ये पोकेमोन मेन फ्रेंचाइजी के बारे में है, तो पहले ही बता देता हूँ रेड इस लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। सो इसी तरह आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन यार उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर तुम लोग एक लाइक कर दो, और भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हम 50K के बहुत करीब है, सो आज तो कर ही देना। चलो अब बिना किसी देरी की आज की इस अमेजिंग सी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। नंबर 10 रेहान। पोकेमोन जर्नी सीरीज में इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये गलार का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर है। और इसकी खासियत ड्रैगन टाइप है और इसके पास डुरालूडॉन, फ्लाइगॉन और गुड्रा जैसे पावरफुल पोकेमोन है। साथ ही जर्नी सीरीज के स्टार्टिंग में ही इसके साथ हमें लियोन का बैटल देखने को मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली रेहान लियोन से हार जाता है और इसीलिए रेहान इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है। नंबर 9 क्लियर। क्लियर को जोटो रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये जोटो की ब्लैकथर्न सिटी की जिम लीडर है और ये भी एक ड्रैगन टाइप ट्रेनर है और इसके पास ड्रैगनाइट, ड्रैगन एयर, किंड्रा, गैराडोस जैसे पावरफुल ड्रैगन पोकेमोन्स है। और पोकेमोन मेन सीरीज के अंदर इसके साथ जब एस का बैटल होता है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल में से एक है, सो इसीलिए क्लियर इस लिस्ट में नंबर 9 पे आती है। नंबर 8 अलान। अलान को कालाउस रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये एक ऐसा ट्रेनर है जिसने सभी पोकेमोन के मेगा एवोल्यूशन को हरा के रखा है और इसके खुद के पास इसका एस पोकेमोन मेगा चारिज़ार्ड एक्स है। और इसके अलावा भी अलान के पास मेटाग्रॉस, टायरानिटार, बिसार्ड जैसे और भी कई सारे पावरफुल पोकेमोन्स है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अलान टॉप 8 के अंदर था, कालाउस लीग में तो इसने एस को हरा दिया था, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये लियोन से बुरी तरीके से पिट गया और इसीलिए ये इस लिस्ट में नंबर 8 पे आता है। नंबर 7 आइरिस। आइरिस को यूनोवा रीजन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये हमारा मेन प्रोटागनिस्ट एस की एक अच्छी कंपेनियन भी रही है। आइरिस को बहुत लोग कमजोर सोचते हैं पर उसने यूनोवा का चैंपियन और मास्टर 8 में जगह बनाकर ये प्रूफ कर दिया है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक पोकेमोन ट्रेनर है। और साथ ही आइरिस के पास हेक्सोरस, ड्रैगनाइट जैसे कई पावरफुल ड्रैगन पोकेमोन्स है, तो इसीलिए आइरिस इस लिस्ट में नंबर 7 पे आती है। नंबर 6 लेंस। लेंस को जोटो रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेंस इलाइट 4 का एक मेंबर है। लेंस के पास अपना एक ड्रैगनाइट और साथ ही उसका रेड गैराडोस है जो लेंस के पोकेमोन टीम को बहुत ज्यादा हेवी बना देता है। लेंस हमारे एस का एक बहुत अच्छा दोस्त है, साथ ही लेंस ने मास्टर 8 में भी अपने आप को प्रूव किया था और इसी वजह से लेंस इस लिस्ट में नंबर 6 पे आता है। नंबर 5 दियांथा। दियांथा को हमें कालाउस रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया और दियांथा कालाउस की एक चैंपियन है। दियांथा वन ऑफ द पावरफुल फीमेल कैरेक्टर रही है पूरी पोकेमोन एनिमे के अंदर। दियांथा के पास अपना गार्डिवार, गुड्रा, हाउडूचा जैसे पावरफुल पोकेमोन है और साथ ही में दियांथा ने मास्टर 8 में लेंस को भी हराया था और इसीलिए दियांथा इस लिस्ट में नंबर 5 पे आती है। नंबर 4 स्टीवन। स्टीवन को हुएन रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया और स्टीवन हुएन रीजन का एक चैंपियन है। स्टीवन के पास उसका साइनी मेगा मेटाक्रॉस है और साथ ही उसके पास एग्रॉन जैसे काफी पावरफुल पोकेमोन्स है। स्टीवन मास्टर 8 में भी था और आखिरकार वो एस से हार जाता है और इसीलिए स्टीवन इस लिस्ट में नंबर 4 पे आता है। तो चलो देखते हैं टॉप 3 पे कौन कौन से ट्रेनर्स है, लेकिन उससे पहले बता दूं लिस्ट में टोबियास नहीं है क्योंकि ये लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि लिस्ट में और कौन कौन से ट्रेनर्स रहना डिजर्व करते थे। फिलहाल नंबर 3 पे है सिंथिया। सिंथिया को सिनो लीग में इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये सिनो की करेंट चैंपियन है, साथ ही मास्टर 8 के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट गर्ल थी। सिंथिया के पास उसका एस पोकेमोन गार्चोम्ब है, साथ ही उसके टीम में स्पिरिटॉम, माइलोटिक जैसे पावरफुल पोकेमोन्स है। मास्टर 8 में सिंथिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन आखिरकार वो अपने हीरो एस से हार जाती है और इसके साथ ही सिंथिया इस लिस्ट में नंबर 3 पे आती है। नंबर 2 लियोन। लियोन को गला रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये तब वर्ल्ड चैंपियन था लेकिन हमारे हीरो एस ने इसको हरा कर वो टाइटल इससे छीन लिया है। लियोन ने यहाँ तक पहुंचने में बहुत मेहनत की है।
लियोन के पास उसका एस पोकेमोन चारिज़ार्ड है और साथ ही उसके पास रिलाबूम इंटेलियन जैसे पावरफुल पोकेमोन्स है। लियोन एक एक्स चैंपियन है तो तुम लोग समझ ही सकते हो ये कितना ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए लियोन इस लिस्ट में नंबर 2 पे आता है। और फाइनली नंबर 1 पे है, जो बोलने की जरूरत नहीं है, वो है हमारा हीरो एश। तो हम एश की जर्नी देखते हैं और हमें पता है एश ने कितना मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने में और आखिरकार वो वर्ल्ड चैंपियन लियोन को हरा कर अभी करंट वर्ल्ड चैंपियन है। हालांकि वो अलग बात है कि एश को भी किसी ने हरा दिया है और एश का बुरी तरीके से कट चुका है, लेकिन फिर भी अभी एश नंबर 1 पोकेमोन ट्रेनर है। सो या, यह था आज का वीडियो। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।